सभी का मैं संजय गुप्ता तहरे से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। कि उन हसीन पलों को याद कर रहे थे, उन हसीन पलों को याद कर रहे थे, आसमान से आपकी बात कर रहे थे, सुकून मिला जब हमें हवाओं ने बताया कि आप ही हमें याद कर रहे थे। तो ये चलते हैं गीत संगीत की महफिल। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि सभी के चेहरे से मुस्कान जो है, मीन्स हंसता हुआ चेहरा किसी का नहीं दिख रहा, और मैं बार बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब तक आपके पास ये हीरा है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और कहते हैं ना कि मुस्कुरा कर तो देखो सारा जहां रंगीन है, मुस्कुरा कर तो देखो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। तो आइए और इस आवाज को मैं भी कुछ आवाज देना चाहूंगा आपके इस परफॉर्मेंस पे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अंकुर ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ना बंदा डरता है, तो सिर्फ रोटियार से जाने प्रोग्राम होगा और बात खूब होगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डेट सॉन्ग के लिए। आपके सामने पेश है अंकुर और प्रीता जी। ना दिल की चली ना आंखों की प्यारे, दीवाने तो हम तेरे मुस्कान के हो गए। लीजिए एक और सा शानदार सा सदाबहार नगमा लाने के लिए मैं आवाज दूंगा ऋचा जी को ही। लेकिन उसके पहले बहुत ही प्यारे वर्ड थे इस गाने के, गाने के जो शब्द रहते हैं उस पर अगर जाया जाए तो दिलो जान से जो पहले के संगीतकार हुआ करते थे, पहले के जो संगीत लिखने वाले होते थे, वो सारे शब्दों को इतने सहजता से सजाते थे कि मानो अपना दिल चीर के रख देते थे उन शब्दों पे। और बात अगर आए शब्दों को सजाने की, तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती। क्या कि खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और हो जाए यदि एक बार सजा तो जमानत नहीं होती। तो आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सुनील भैया बहुत ही प्यारा सा गाना था, अकेले अकेले कहां जा रहे हो। लेकिन एक शादीशुदा आदमी का दर्द पता है आपको क्या रहता है? अधिकांश मैंने देखा है और उनका जो दर्द है वो शब्दों में किस तरह से बयां करते हैं कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूं। क्या कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूं कि मांग पूरी करते करते अब मांग मांग के खा रहा हूं।